हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल सेवरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अल्फा हम चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडर चिकन बनकर तैयार हुआ था। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कितना जूसी और कितना सॉफ्ट बना था हमारा चिकन। देखिए, अमेजिंग, बहुत ही डिलीशियस। तो जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स एक पैन में। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सौंफ, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ा सा दालचीनी, 1 बेलीफ यानी क्या तेज पत्ता। इसे हम अच्छे से भून लेंगे जब तक केस में से अच्छा सा आरोमा रिलीज नहीं हो जाता और इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। फिर हम इसे ग्राइंडिंग जार में अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है विदाउट स्किन बट विथ बोन्स वाला। मैंने 1 चिकन के 4 पीसेस लिए हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ये भुना हुआ पिसा हुआ गरम मसाला जो हमने तैयार किया है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 या फिर 1.5 नींबू, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक के 1/2 आवर छोड़ देंगे। जब तक ये अच्छे से मसाले इसमें अब्जर्व नहीं हो जाते, हम इसका दूसरा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 प्याज, हरी मिर्च और 1 बड़े साइज का टमाटर। अगर आपके पास छोटे हैं तो 2 टमाटर ले लीजिएगा। ताज़ा हरा धनिया, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हम पेस्ट में तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैरिनेट हो चुका है चिकन। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच दही। फिर ये जो हमने मसाला पेस्ट यानी कि प्याज और धनिया, ताज़ा हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह ऐड करके पेस्ट तैयार किया है, उसे हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मसलते हुए चिकन के ऊपर लगा लेंगे। इस पेस्ट को भी अच्छे से चिकन के ऊपर कोट करने के बाद फिर से हमें इसे 1/2 to 1 आवर रखना है साइड पे। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी इस मैरिनेशन को लगा के चिकन को फ्रिज में रख सकते हैं। देखिए, लगभग 1 आवर हो चुका है, हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है। इस पे हम स्प्रिंकल करेंगे 1 टीस्पून जो हमने गरम मसाला बचा के रखा हुआ था, यानी कि मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऐड किया था। जो बचा हुआ मसाला था उसमें से 1 टीस्पून मैंने इसमें फिर से ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ पे पैन लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून जितना ऑयल और इन चिकन के जो पीसेस हैं इसे हम इस पे रख के अच्छे से भून लेंगे दोनों साइड से। पहले हम एक साइड से अच्छे से लिड को कवर करते हुए कुक कर लेंगे ताकि चिकन हमारा अंदर तक अच्छे से कुक हो, इसलिए हम इसे लिड लगा रहे हैं। एक बार आपका चिकन अच्छे से पानी रिलीज कर ले और अच्छे से कुक हो जाए तो आप इसे ऐसे ही विदाउट लिड भी कुक कर सकते हैं, जैसे कि देखिए इस तरीके से। बट एक टाइम तो इसे लिड करके कुक करना ज़रूरी है, वरना आपका चिकन अंदर से अनकुक रह जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लग सकता है अगर आप लिड के बगैर कुक करेंगे। देखिए, ये चिकन हमारा दोनों साइड से अच्छे से कुक हो चुका है। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत से देखिए ग्रिल मार्क्स आ चुके हैं। विदाउट ग्रिल पैन के हमने ग्रिल चिकन तैयार कर लिया है। जो हम चिकन के ऊपर कट्स लगाते हैं इस वजह से इस पे ग्रिल मार्क्स इस तरह के आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने लेमन रखा हुआ है स्लाइस करके और ट्विस्ट करके, थोड़ी सी ऑनियन रखी है और इसे डिश आउट कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत सा है और बहुत ही जूसी भी बनेगा आपका चिकन। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।